अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इरम फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम जो है रेडी हो रहे हैं थोड़ा बाहर जाने के लिए। हस्बैंड जो है बाहर लेके जा रहे हैं, सो क्योंकि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तबीयत भी बेहतर नहीं थी, तो इसके लिए बस सर हमको रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। और ये सारे जो है हमारे शूज़ चप्पल वगैरह रखे होते हैं इसमें ड्रॉवर में, तो बस अभी अर हमको शूज़ वगैरह पहनाती हूँ, इसको रेडी कर रही हूँ मैं, और फिर हम निकलते हैं बाहर। और बस हेलमेट ले लेती हूँ हस्बैंड से, क्योंकि मैं जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। सो बोले अरहम को जो है मैं लेकर उतरता हूँ, तुम ये बोलते हेलमेट तो लेके उतर लोगे ना, या वो बिल्लू? मैं बोले नहीं, इतना ले लूँगी। सो बस अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से, और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस ऐसे थोड़ा सा वॉक मारने के लिए जा रहे हैं। और अब हम चल लिए हैं यहाँ से। सो बस ये हमारे बैक साइड का जो है वो रास्ता है, ब्रिज आ जाता है पीछे, जो कि अभी न्यू बना है। काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं इस ब्रिज पे, और हम यहाँ पहुँच गए हैं दूसरी साइड ब्रिज से। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जो कि अच्छी अच्छी है, काफ़ी अच्छे सामान मिलते हैं हेडवर वगैरह के। सो बस अब जो है मैं ना एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम जो है व्लॉगिंग कर रही हूँ यहाँ। तो मस्जिद जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ये रोड पे हमेशा बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ही क्राउडेड एरिया है ये जितना भी है पूरा। सो बस यहाँ से फटफट निकलने लगे, क्योंकि यहाँ पे रश भी मिलता है हमेशा। और अरहम देखो कितने प्यार से बैठा है बाइक पे। और ये कितनी लंबी बिल्डिंग, मतलब काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में इसमें घर है, और काफ़ी एक साथ बनी हुई है इसमें रूम। और आ गया मेरा फेवरेट, जो ये आपको पता है जब भी ये जगह आती है ना, मेरी फेवरेट ये वाला फ्रीवे। सो मुझे पसंद है। सो मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे आकर, कितनी अच्छी अच्छी हवा चलती रहती है, और इतना ज़्यादा रश नहीं होता, और यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। और मैं फ्रंट कैमरे से पहली बार से, मतलब फ्रंट हो या बैक हो, मैं पहली बार ही व्लॉगिंग कर रही हूँ बाइक पर बैठ के, वरना मतलब और फील किया मैंने कि कितना मुश्किल है बाइक पर बैठ कर इतना क्या है व्लॉगिंग करना। और जो पीछे आपने देखा अभी, ये मेरा फेवरेट स्पॉट गया है। यहाँ पे हम काफ़ी चाय पीते हैं, मतलब हस्बैंड के साथ मैंने अभी तक नहीं पिए, हम गर्ल्स गैंग आके पीते हैं हमेशा यहाँ पे चाय। और ये आ गया सबसे फेमस कॉलेज हमारा यहाँ पे, जो है ना मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत आई हूँ यहाँ पे कॉलेज, और ये बहुत ही प्यारी है। फिर उसके आगे ये चौल वाली सोसाइटी है जो कि बहुत प्यारी है। और बस ये बिल्डिंग भी देखिए काफ़ी ऊँची थी, तो वही आपको दिखा रही हूँ। और बात करते करते हम चलो आयो आ जाओ आओ ले लूँ। हाँ एक मिनट, आयु आ गए आप, चलो आ जाओ। अरे तो फिर जाएंगे तुझे भी, तू अभी आ जाओ, डैडी भी आ रहे। चलो कहाँ पर आ गए आयु? डैडी आ जाओ, डैडी की जीन्स गंदी हो जाती जब भी आयु बैठता उतरता। आ रहे डैडी, इधर ही आ रहे, गाड़ी आ रही, उधर नहीं जाओ। क्या लेना है भाई तुमको? क्या लाना? तुमको तो एक मौसम्बी का जूस। आयु तुम क्या लोगे? तुम क्या लोगे? खाना है कुछ? आयु आयु को जूस पीना है यहाँ पे देख के, आयु को। आ गया हमारा जूस, जो एकदम यम सा बन के आया है, बहुत ही टेस्टी जूस था। और हस्बैंड का आया है फालूदा, मस्त था एकदम। अच्छा आयु की मुझे आ गई आयु, पियो सही है। अरहम को जो है जूस अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा, उसको कड़वा सा फील हो रहा था, तो वो अपने डैडी से उनका फालूदा मांग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो। और उसके डैडी थोड़ा थोड़ा सही उसको खिला रहे हैं, तो बस वही तंग कर रहा है। और उसको टिशू भी चाहिए होता है, तो टिशू भी ले लेता है वो। अब मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, हस्बैंड ने बोला ट्राई करके देख, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। और वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था फालूदा, यम था एकदम। सो बस
बॉटल देना शादी, हाँ छोटा वाला। पानी रुको देती हूँ, खोल के देती हूँ। पियो आराम से पियो। आयु अच्छा, हम बच्चों के साथ आते तो बच्चे थोड़ी बहुत गंदगी कर देते हैं, तो मैं यही जो है कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी गंदगी करके ना जाऊँ। जो भी होता है हमारा वो मैं याद से फेंक कर ही जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे। चलो बस बैठ गए, मुंह साफ कर, इतना टिश्यू लेके भी मुंह नहीं साफ किया अपना। आयु साफ करो, फिर मुंह पे टिश्यू लग रहा है। हाँ बस बस यहाँ से हम निकल पड़े हैं फिर घर की तरफ। तो अब जाते हुए भी आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि मैं वहाँ पर बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे इतनी अभी आदत नहीं है। मैं सोच रही थी कि मतलब जो है वॉइस ओवर ना करूं, बट फिर भी अब मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ पे, इसका नाम फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वैसे मुझे पता था बट कोई नहीं, बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत अच्छा फेमस स्कूल है यहाँ पे ये। और जो है यहाँ से आगे चलते चलते फिर से प्यारी प्यारी सी सोसाइटियाँ दिखेगी आपको, और जो है ना सामने उस अभी ये सोसाइटी वगैरह चल रही है, और रास्ता बहुत ही प्यारा होता है, एकदम अच्छा सा मतलब सुकून फील होता है यहाँ पे। और फिर हम आगे चलते चलते जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ वगैरह आते जा रहे हैं, और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, हम फटाफट से गए, फटाफट से आ गए तो मज़ा आ गया था, एकदम झटपट वाला काम हो गया था। और यहाँ पे ये पेड़ देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने बाद में शूट किया है। और सामने ये वाइट कलर की बिल्डिंग और फिर हरियाली नीचे, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। बस हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, घर के बहुत ही ज़्यादा करीब हम आ गए हैं। और ये है इंडियन ऑयल नगर, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अब बन चुकी हैं, और ये जो है पूरा ब्रिज यहाँ से निकला है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इन कुछ ही कुछ सालों में। और ये सारी लाइन से बिल्डिंग है, बस अब हम चलते जा रहे हैं। अच्छा है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था, हम फटफट से गए, फटफट से आ गए, हम मत गए। अभी हो गई है बहुत ज़्यादा रात, लगभग 11 बज रहे हैं, और फिर मुझे ना जो है शाम से शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और एक दो जगह हम चले गए थे बाहर, आ गए और हम जो है अभी सोया है यहाँ पर, तो सो रहा है। हम मार गया था बाहर साइकिल चलाने के लिए, सो पकड़ूं। अल्लाह पाक, बहुत भारी है ये तो, ले मत खींच, हटो। बाप रे, तो बस रख दी, अब भी सोया ये। चलो छोड़ो, चलते खाना बनाने। कल जो है मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज फ्राइडे था तो इतना ज़्यादा प्रेशर भरा दिन था कि मैं सुबह से जो है कुछ शूट नहीं कर पाई, आज का ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ इनफैक्ट। और जो है रात का जो ये ब्लॉग है तो उसको भी मैं एंड नहीं कर पाई थी अभी तक, तो मैंने सोचा पहले उसका एंड ले लेती क्योंकि वो अपलोड भी करना है मुझे। सो बस कल जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और दो दिन से तबीयत सही नहीं थी, जैसे कि आपने देखा था घर में ना इतना ज़्यादा गर्म मच गया था ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आज मैं सुबह सुबह से बस काम 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 कर रही हूँ, सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, बस मुझे जो है ब्लॉग का एंड करना था, और मैं गैलरी में आके ज़्यादातर शूट करती हूँ। सो बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा है, शायद आप लोगों को ना दिखे क्योंकि धूप आ रही है। सो बस कल छोटा सा ब्लॉग बना पाई, ज़्यादा लंबा नहीं, और छोटे छोटे ही ब्लॉग लाऊंगी ताकि आप लोग बोर ना हो। सो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो, पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, और जो लोग प्यार दे रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। चलो बच गए, चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।